काफी ना नैरो रोड था और कितना सुंदर लग रहा है। आज तो मैं जाती हूँ। चाय और ये है पहाड़ी मैगी, तो इंजॉय करते हैं इस नज़ारे। दिस इज ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर की सीधा सीधा लंबी सी वॉन्ड उठा के लाई हुई है, क्योंकि काफी लंबा ट्रैक हो गया है। मेरे पीछे है डल लेक। अगर आपको मेरी तरह शांत जगह बहुत पसंद है तो ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। नड्डी मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर दूर हिमाचल का एक ऐसा खूबसूरत गांव, यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी ट्रैक जो बहुत कम लोगों को पता है। और आज हम लोग करने वाली थी नड्डी वाटरफॉल तक ट्रैकिंग, जिसे गुन्ना माता ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रैक पे हमें शांति और सुंदर नज़ारे दोनों ही बहुत अच्छे से मिले थे। और शाम होने के बाद हम लोग पहुँचेंगे नड्डी की खूबसूरत डल लेक पर और महादेव का आशीर्वाद लेंगे नड्डी के प्राचीन शिव मंदिर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अभी हम लोग नड्डी वाटरफॉल पे जा रहे हैं ट्रैकिंग करके, क्योंकि उधर ना हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी ना, क्योंकि काफ़ी ना नैरो रोड था तो कार आ रही थी ना, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, तो मतलब थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा। 2 किलोमीटर है हमारे, मतलब जो हमने यहाँ पे कार पार्क करी है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो गाँव देखते हुए चलते हैं। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके। सामने बर्फ भी है, बर्फ भी दिख रही है। ट्रैकिंग करने का ना एक फायदा ये है कि आप ना हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को देखते हुए चलते हो। हमारे लिए काफी स्टीप हो जाएगा ये, शायद यहाँ से भी रास्ता है। देखो अच्छा हुआ कार पार्क वहीं कर दी हमने, क्योंकि अब रास्ते ना बहुत ही ज्यादा बेकार हो गए हैं। रास्ता चाहे मंजिल का हो या जिंदगी का, रास्तों के बीच मिली चीजें ही हमें जिंदगी के असली मायने सिखाती हैं। लंबे लंबे दूरी, यूं ही चलते चलते कम होती जाए, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना और कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली है ना ये एक काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट है लोगों के लिए। पानी तो नहीं है बट लुक एट दिस। नटी गांव में गड्डी ट्राइब के लोग रहते हैं जो हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन में मिलते हैं। यहाँ पर भाषा भी गड्डी भाषा बोली जाती है। और इस ट्रैक की खासियत यह है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स दिख जाएंगे, क्योंकि ये लोग गुन्ना माता टेंपल भी जाते हैं। ये रहा पीछे नडी फॉल्स वाटरफॉल, थोड़ा सा और चलना है फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे वहाँ पर। कैंप्स भी लगे हैं। लुक इस ट्रैक का नाम गुन्ना माता ट्रैक भी है। अगर आप चाहें तो नड्डी वाटरफॉल्स पर ना रुककर और आगे ट्रैकिंग कर सकते हैं, पर नड्डी वाटरफॉल्स तक आपको रोड मिल जाएगा चाहे जैसी भी कंडीशन में है। अगर आप अपनी कार रिस्क पर लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, 2-व्हीलर्स बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा, पर इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की और लंबी ट्रैक होगी और आप पहुंच जाएंगे गुन्ना माता टेम्पल पर।
नेट जियो वाइल्ड। यहाँ पर एक वो भी है देखो, पैनकेक, मोमोज, कॉफ़ी, मैगी, जो भी चाहिए। तो यहाँ से उतरते हैं, ठीक है। नीचे उतरते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जिस पत्थरों से आप नीचे उतर रहे हैं क्या पता वो ही हिल रहे हो। मेरे साथ भी हुआ था और ये पत्थर काफी ज्यादा हिल रहे थे। इधर से आना मम्मी, थोड़ा सा है रास्ता, थोड़ा नहीं काफी, थोड़ा मतलब सैंडल्स पहन कर आई हूँ ना मैं। वाह, शूज पहनती तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इतने सारे बड़े बड़े पत्थर देखकर मुझे ये वाटरफॉल कम ऐसा लग रहा था कि सूखी नदी ज्यादा हो। अब क्योंकि इसमें बहता हुआ पानी जब बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं तब बनता है, इसीलिए इसको कई लोग स्नो रिवर भी बोल देते हैं, कई लोग इसे भाल रिवर भी बोल देते हैं, पर ज्यादातर लोग इसे नदी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। आज तो मैं चली जाती। ये देखो, मैंने जब वाटरफॉल के बीच में ऐसे प्लास्टिक की बॉटल पड़ी हुई देखी, मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा कि हम लोग इतनी खूबसूरत जगह को कैसे गंदा कर देते हैं और फिर बोल देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। कारण भी तो हम ही हैं, बदल सकते हैं अगर आप अपना कूड़ा अपने साथ वापस लेकर आ जाए। प्लीज़ अपना कूड़ा अपने साथ लेकर आया करें ताकि पहाड़ों को थोड़ा सांस आ सके। इतनी देर की ट्रैकिंग के बाद जब मैंने अपने पैरों को उस बर्फ से पानी के अंदर डाला तो एकदम से मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था वो। मैंने अभी अपने पैर धोए, कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी देर भी ट्रैकिंग करके मजा आ गया। हमेशा दूर से देखकर जज करना बहुत आसान है। मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई वाटरफॉल नहीं होगा, पर जैसे जैसे मैं पास गई यहाँ पर मुझे छोटे छोटे से बहुत सारे वाटरफॉल दिखाई दिए जो बहुत अच्छे लग रहे थे। चाय और ये है पहाड़ी मैगी, तो इंजॉय करते हैं इस नज़ारे के। स्टेप्स देख लो कितने, 12,000 कुछ आज के। वापस जा रहे हैं, जितना ट्रैकिंग कर आए थे उतना ही ट्रैकिंग करके वापस भी जाएंगे। और मुझे काफ़ी पसंद आई, मतलब थोड़ा कम क्राउड है पर बहुत अच्छा है, पानी भी कम है पर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया पैर डुबा कर बैठने में वहाँ पर। और मतलब द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैं ट्रैकिंग कर आई हूँ यहाँ पर, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फील कर पाई हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा चलने के बाद ये व्यू एज अ रिवॉर्ड हमें मिला, दैट वाज नाइस, आई लाइक इट। यार ऐसे भर कर जाती हैं यहाँ से क्योंकि बहुत दूर है यार, और मतलब इतना अच्छा रोड भी नहीं है कि कार आ सके।
तो ऐसे भरकर यहाँ से ये छोटे टेम्पो जाते हैं। This is beautiful. Wow. Let me show it to you. सनसेट में नड्डी सच्ची में बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे एक खूबसूरत से हनुमान जी की मूर्ति और भगवान शिव जी का एक छोटा सा मंदिर था, और उसमें जो सनलाइट पड़ रही थी एकदम मैजिक की तरह लग रहा था। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। और जहाँ भोलेनाथ, हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत था, बहुत ज्यादा। मम्मी की ट्रैकिंग वाली वो देखो, ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर की सीधा सीधा लंबी सी वॉन्ड उठा के लाई हुई है। ये मम्मी आपकी ये क्या कहते हैं, ये स्टिक इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी क्यों है? पापा ने पकड़ा ही, मिल लेगी। चांद निकला हुआ है और यहाँ देखो सनसेट हो रहा है। वाओ, अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसा लगता है फॉरेस्ट। देखो थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और बाकी पूरा अंधेरा है। हाँ, ये इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो कुछ ऐसा लगता है जंगल, थोड़ा सा डरावना। नड्डी व्यू पॉइंट अपने सनसेट पॉइंट के लिए जाना जाता है, पर हम लोग नड्डी व्यू पॉइंट से काफ़ी दूर थे और सनसेट ऑलरेडी होने लग रहा था। हमें नहीं पता था कि हम लोग सनसेट पॉइंट तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं से सनसेट देखेंगे। बीच में ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया है और बस सनसेट होने ही वाला है। जितनी देर में हम लोगों ने सनसेट देखा उतनी देर में मेरा भाई कार के पास पहुंच गया था, और उसने सोचा कि जहां तक रोड ठीक है वो वहां तक कार ले आता है। हमारे लिए कार लेकर आ गया क्योंकि अभी इतना सारा चलना पड़ता हमें वहां पहुंचने के लिए, तो वो पहले पहुंच गया था एंड हमारे लिए कार ले आया क्योंकि उसको पता है कि हम लोगों की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी होगी इस टाइम। मज़ा आ गया। आए हम लोग डल लेक देखने के लिए, यहाँ की लेक। अब यहाँ पर एक कोइंसिडेंस हुआ। जब मैं कश्मीर में डल लेक घूम कर आई थी तब वहीं पर उसके बाद हम लोग गए थे शंकराचार्य मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पर भी डल लेक थी और इसके सामने था एक खूबसूरत सा प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर को श्री दुर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 200 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण श्री कलेश्वर सिंह राणा ने करवाया था, जो गांव के निवासी थे। एक दंत कथा के अनुसार इस डल झील को छोटा मणि महेश भी कहते हैं, जो पुण्य मणि महेश की यात्रा तथा स्नान एवं भगवान शंकर जी के दर्शन से प्राप्त होता है। वही पुण्य इस डल झील में स्नान तथा दुर्वेश्वर महादेव की पूजा और परिक्रमा से प्राप्त होता है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मांगो। ब्लेसिंग्स दे दो।
निकल ले। और मैं खड़ी हूँ अभी शिव जी के मंदिर में। थोड़ी ही देर में मंदिर में आरती भी शुरू हो गई थी, तो आप सभी लोग आरती देखें और महादेव का आशीर्वाद लें। साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वीराज्यं पार्वेष्टनं राजमहाराजमाधिपतमय समन्तपर्याय शासरभूमा सर्वाशुवन्तर्दापर्दापृथिवी सौतवृन्दायाय कराडिति तदपयाशासु। शाम होते ही डल लेक के पास की भीड़ एकदम से गायब हो गई थी और डल लेक भी अब धीरे धीरे नजर आनी बंद हो गई थी, पर देवदार के पेड़ों की परछाई अभी भी डल लेक में दिखाई दे रही थी। वही बना रहा था इस मंदिर को और खूबसूरत और शांत। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग अपने होटल पर आ गए। ये हमारा होटल का कॉरिडोर, चलते हैं अब अपना रूम खोलते हैं। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी और खाना बहुत टेस्टी था। खाना खाकर हम सब चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि अगले दिन हमारा कुछ डिफरेंट प्लान बना था। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।